अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ डेगी गोश्त की रेसिपी। डेगी गोश्त तो आपने बहुत बनाया होगा, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ डेगी गोश्त का सीक्रेट, जिससे डेगी गोश्त शादियों जैसा टेस्टी और डेग जैसा खुशबूदार बनके तैयार होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए यहाँ मैंने 1.25 किलो रेड मीट ले लिया है, साथ ही मैं यहाँ 5 बड़े साइज के प्याज को लेके बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ कुछ सूखे मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें 1 टेबल स्पून नमक है, 2 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून भुना कोटा जीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून और धनिया है, तो इसमें ऐड कर देंगे सारे सूखे मसाले। यहाँ हमने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, जिसमें 3 तेज़पत्ता है, 2 बड़ी इलायची हैं, 3 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है उसके छोटे टुकड़े में तोड़ लिया है, 8 से 10 हरी इलायची हैं, 1/2 टीस्पून जीरा है, 8 से 10 काली मिर्च है और 8 से 10 लौंग है। ये सब इसमें ऐड कर देंगे। साथ में यहाँ ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 200 ग्राम ऑयल ऐड कर देंगे, 5 हरी मिर्च। साथ ही मैं यहाँ ऐड कर रहे हैं बड़े साइज का टमाटर, जिसको मोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब गोश्त के साथ सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डेगी गोश्त का एक सीक्रेट ये भी है कि जब भी आप डेगी गोश्त बनाएं तो उसमें हल्दी का यूज़ ज़्यादा करें, इससे डेगी गोश्त का फ्लेवर और टेस्ट बिल्कुल डेग जैसा बनके तैयार होगा। देखिए, गैस पे मैंने भगोना रख दिया है और गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है और इसमें 2 से 3 बार चम्मच चला देंगे। डेगी गोश्त जब भी बनाएं तो आप शुरू से ही इसकी भुनाई को स्टार्ट कर दें, जब भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और इसको जब तक भूनना है जब तक तेल सरफेस पर नहीं आ जाता। गोश्त के साथ मसालों को भूनते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। मसाला अच्छे से भुन गया है, गोश्त में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब गोश्त को गलाना है तो इसमें 1 कप पानी ऐड कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। कवर करके गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए और 15 से 20 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दीजिए, या फिर जब तक पकाइए जब तक गोश्त टेंडर नहीं हो जाता। तो देखिए, गोश्त को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं, गोश्त अच्छे तरीके से टेंडर हो गया है। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से पक गया है। और अब इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है ग्रेवी के लिए, आप चाहें तो कम या ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। अब इसको कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे।